प्लांट ब्रीडिंग के डेली वीडियो अपलोड होंगे अब, क्योंकि अब मेरा फोकस प्लांट ब्रीडिंग पर है। रोज एक वीडियो आपको प्लांट ब्रीडिंग का मिलेगा, डेली का। और कब तक प्लांट ब्रीडिंग की वीडियोस डेली अपलोड होंगे? जब तक कि प्लांट ब्रीडिंग का मेजर पार्ट हम लोग कवर नहीं कर लेते, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, और सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट भी यही है एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए, प्लांट ब्रीडिंग, ठीक। तो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ेंगे, और बाकी के जो लोग बीएससी में हैं या एमएससी में हैं उनके लिए भी ये यूज़फुल है, क्योंकि अपन डिटेल में तो पढ़ ही रहे हैं, उनकी प्रोसीजर वो सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे, और साथ में किन चीज़ों से कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं उन पर भी फोकस करेंगे। आज अपन बात करेंगे मास सिलेक्शन की। देखो, मास सिलेक्शन किसी भी वैरायटी को बनाने का एक तरीका है, या हो सकता है किसी भी एग्जिस्टिंग वैरायटी को, या कोई प्योर लाइन वैरायटी हो, या कोई लोकल वैरायटी हो, देसी वैरायटी हो, उसको इम्प्रूव करने का, उसमें से कोई दूसरी वैरायटी बनाने का एक आसान सा तरीका है मास सिलेक्शन। माना कि एक वैरायटी है एक्स, ठीक है, ये एक्स वैरायटी काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है, ठीक है। पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इस वैरायटी के अंदर अच्छे कैरेक्टर हैं, अच्छे ट्रेट्स हैं, अच्छी उपज देती है ये वैरायटी, ठीक। अभी अपन बात कर रहे हैं किसकी? एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप की, अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक वैरायटी है एक्स, जो किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय वैरायटी है, क्योंकि उसके अंदर अच्छे गुण हैं, अच्छी उपज देती है, बढ़िया वैरायटी है। किसी कारण से ये वैरायटी हो जाती है कंटेमिनेट, ठीक है भाई, कंटेमिनेट हो गई भैया। कैसे कंटेमिनेट हो गई, क्या कारण थे कंटेमिनेट होने के? हो सकता है मैकेनिकल मिक्सर हो गया हो, कई लंबे समय तक, कई सालों तक जब हम एक ही वैरायटी को कल्टीवेट करते हैं तो कंटेमिनेशन के चांसेस तो होते ही हैं। मैकेनिकल मिक्सर हो गया, मैकेनिकल मिक्सर का मतलब दूसरी वैरायटी के सीड आकर इसमें मिलने लगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें जेनेटिक वेरिएशन आ गया, हो सकता है इसके अंदर म्यूटेशन की वजह से कंटेमिनेशन हो गया। कहने का मतलब है, कंटेमिनेशन से मतलब है कि इसके अंदर वेरिएबिलिटी आ गई है, इसके अंदर क्या आ गई है? वेरिएबिलिटी, भिन्नता आ गई है। जबकि सेल्फ पॉलिनेटेड की जितनी भी, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप की जितनी भी अपनी वैरायटी हैं, उनमें वेरिएबिलिटी किसानों को पसंद नहीं है। जितनी भी हो, कोई भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप आप ले लो, किसान हमेशा कैसी फसल चाहता है उसमें? यूनिफॉर्म, एक जैसी दिखने वाली, जो कि फिनोटिपिकली सिमिलर हो, एक जैसी दिखे। गेहूं की फसल भी अगर कोई लगाता है किसान, तो वह क्या चाहता है? कि सभी फसल एक जैसी हो। और आज हम लोग देखते भी हैं, जितनी भी गेहूं की, चावल की जितनी भी वैरायटी है, वो सब कैसी हैं? प्योर लाइन वैरायटी हैं। सब कैसी हैं? प्योर लाइन होमोजीनियस वैरायटी हैं, सबकी सब एक जैसी दिखती हैं। कुछ एक आधा बीच बीच में कहीं मिक्सर आपको नज़र आ जाता होगा, आपने देखा होगा फील्ड में सभी प्लांट एक जैसे हैं, बस कहीं पर एक दो प्लांट टॉल दिख जाएंगे, कहीं पर एक दो प्लांट ड्वार्फ दिख जाएंगे, वो मैकेनिकल मिक्सर होता है, बाकी का सभी प्लांट एक जैसे होते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में जितनी भी वैरायटीज़ हैं, वो सब हम कैसी चाहते हैं? यूनिफॉर्म चाहते हैं, उनमें वेरिएबिलिटी हमको पसंद नहीं है, ठीक है भाई। तो इस वैरायटी के अंदर कंटेमिनेशन आ गया किसी कारण से। अब हमें इस वैरायटी को वापस से प्यूरीफाई करना है, इसको रिफाइन करना है, क्योंकि वैरायटी बहुत अच्छी है, पॉपुलर वैरायटी है किसानों के बीच, इसको छोड़ नहीं सकते। इसी वैरायटी को रिफाइन करके, इसी वैरायटी को सुधार करके, इसका शुद्धिकरण करके, इसमें से एक नई वैरायटी हम लोग बना सकते हैं। और वो किस मेथड से बना सकते हैं? मास सिलेक्शन से। कैसे बनाओगे? देखो, इस वैरायटी को सबसे पहले तो आप एक फील्ड में ग्रो कराओ, ठीक है भाई। ये अपना एक फील्ड ले लिया अपन ने, इस फील्ड के अपन अंदर अपन ने इस वैरायटी को करा दिया क्या? ग्रो। बहुत सारे प्लांट इसमें हमने ग्रो करा दिए, ये लो, ठीक है। ये सबसे पहला ईयर हो गया अपना, फर्स्ट ईयर। पहले साल हमने क्या किया? एक फील्ड में इस एक्स वैरायटी को ग्रो करा दिया, क्योंकि ये एक्स वैरायटी में हमें क्या करना है? मास सिलेक्शन करना है और एक नई वैरायटी बनानी है, इसको प्यूरीफाई करना है, इसको रिफाइन करना है, क्योंकि इसके अंदर कंटेमिनेट हो गया है, इसके अंदर
कंटेमिनेशन आ गया है। ठीक है, पहले साल हमने क्या किया, एक फील्ड में इस एक्स वेराइटी को ग्रो कराया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स जो हमारी ओरिजिनल एक्स वेराइटी में जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स थे उन कैरेक्टर को लिस्ट आउट करेंगे कि हमें कौन कौन से कैरेक्टर, कौन कौन से गुण हमें इस वेराइटी के अंदर चाहिए थे। भाई जो हमारी ओरिजिनल एक्स वेराइटी कंटेमिनेशन से पहले जो हमारी एक्स वेराइटी थी उसके अंदर कौन कौन से गुण थे, उन गुणों को, उन कैरेक्टर को हम लिस्ट आउट कर लेंगे, एक जगह लिख लेंगे, फिर उन्हीं कैरेक्टर को हम इस फील्ड में प्लांट्स के अंदर देखेंगे। ठीक है, और हमें यहाँ पर फिनोटिपिकली सिमिलर प्लांट देखने हैं, ऐसे प्लांट देखने हैं जिनके अंदर वे डिज़ायरेबल कैरेक्टर तो हों, उसके साथ साथ वे प्लांट एक दूसरे से सिमिलर हों, बिल्कुल हूबहू सिमिलर हो। मतलब कि यहाँ पर हमको फिनोटिपिकली सिमिलर प्लांट जिनके पास क्या हो, डिज़ायरेबल ट्रेट्स हों। ठीक है, डिज़ायरेबल ट्रेट्स में भाई कुछ भी हो सकता है, हो सकता है उसकी हाइट अपना डिज़ायरेबल ट्रेट हो सकता है, कम हाइट वाले हमको चाहिए, हो सकता है वहाँ पर लॉन्ग ईयर हेड होना चाहिए। ठीक है, मोर नंबर ऑफ ग्रेन्स होने चाहिए, ग्रेन्स ज़्यादा होने चाहिए, और आपके ट्रेट्स जैसे कि लाइक अपना स्पाइक लेंथ हो सकता है, स्पाइक लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा हो, नंबर ऑफ टिलर्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ टिलर्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हम ले सकते हैं। इन सभी कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसे प्लांट चुनने हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर हो एक दूसरे से। ठीक है, ऐसे लगभग 200 से लेकर 2000 प्लांट हमें सिलेक्ट करने हैं। कितने, 200 से लेकर 2000। इस डाटा पे मत जाना, अलग अलग डाटा मिल जाएगा, ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछते। ठीक है, तो लगभग 200 से 2000 प्लांट हमने सेलेक्ट करने हैं, कैसे, जो एक दूसरे से हूबहू सिमिलर। ठीक है, उन 200 से 2000 प्लांट को हम लास्ट में हार्वेस्ट करेंगे और उनका जो सीड होगा उनको मिक्स कर देंगे। हार्वेस्ट करने के बाद उन 200 से 2000 प्लांट का जितना भी सीड आएगा उसको मिक्स कर देंगे। आ गई बात समझ में, यहाँ तक की ये तो हो गई पहले साल की कहानी। अब दूसरे साल क्या होगा वो देखो, ये जो हमने सीड मिक्स किया है ना, यही एक वैरायटी अब जो बन चुकी है, अब उसको ट्रायल में लेकर जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहली ट्रायल हम डालेंगे चेक के साथ। ये चेक क्या होता है देखते जाओ भाई, बड़ी सिंपल सी प्रोसीजर है, इतना टफ नहीं है जितना हम लोगों ने इसको बना रखा है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो सीड हमने मिक्स किया था इस सीड को चेक वैरायटी के साथ ग्रो कराएंगे। कौन से ईयर में, सेकंड ईयर में, दूसरे साल, अगला सीजन जब आएगा तब। ठीक है, ये तो रही अपनी मेन वैरायटी। ठीक, मेन वैरायटी मतलब अपनी जो सीड हमने जो फर्स्ट जनरेशन से लिया है वो। ठीक है, और इसमें लगा रखा है हमने इन्हीं के साथ बगल से चेक। अब ये चेक क्या होता है वो देखो, जो लोग प्लांट ब्रीडिंग से हैं वो तो समझ गए होंगे चेक का मतलब क्या होता है, एमएससी करने वाले बच्चे भी समझ गए होंगे। अब देखो, चेक का मतलब होता है इस पर्टिकुलर जोन में, जिस जगह पर, मान लो कि ये सारा एक्सपेरिमेंट हम मालवा जोन में कर रहे हैं। ठीक है, मालवा के एरिया में, मध्य प्रदेश में मालवा जोन में हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, तो मालवा रीजन में। और मान लो कि ये जो एक्स वेराइटी है ये गेहूं की वेराइटी है। किसकी वेराइटी है, गेहूं की। तो हमें क्या करना है, उस मालवा रीजन में पहले से ही मौजूद कोई पॉपुलर वेराइटीज लेनी है, क्योंकि कंपटीशन तो उन्हीं के साथ होगा। ये बात आप लोग याद रखना, मैंने आपको बताया था प्लांट ब्रीडिंग का जब सबसे पहला लेक्चर लिया था उसमें ऑब्जेक्टिव क्या था प्लांट ब्रीडिंग का। प्लांट ब्रीडिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि हमें हायर यील्ड लेनी है। कोई भी ब्रीडिंग प्रोग्राम इंडिया के अंदर होता है वहाँ पर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है अधिक उपज लेना। एक छोटे से एग्जांपल पर समझो, मान लो कि आपका इंदौर ज़िले में कोई एक वैरायटी बहुत फेमस है एक्स। ठीक है, इसकी उपज है 50 कुंटल पर हेक्टेयर। ठीक, अब कोई वैज्ञानिक यहाँ पर एक नई वैरायटी बनाना चाहता है। ठीक है, एक नई वैरायटी बनाना चाहता है और उसने एक नई वैरायटी बना भी दी,
वाई। अब उसकी जो उपज है वो है 40 क्विंटल पर हेक्टेयर। क्या किसान इसे खरीदेगा? किसान इस वैरायटी को नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसके पास पहले से ही एक मौजूद वैरायटी है एक्स जो 50 क्विंटल पर हेक्टेयर दे रही है। तो किसान इस नई वैरायटी को क्यों खरीदेगा जिसकी उपज 40 क्विंटल पर हेक्टेयर ही है? तो जो भी वैज्ञानिक इस नई वैरायटी को बनाएगा उसको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो भी मैं नई वैरायटी बना रहा हूँ उस वैरायटी की उपज पहले से मौजूद जो पॉपुलर वैरायटी है जिसे किसान लगा रहे हैं उससे ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब इस वाई की उपज एक्स से हमेशा ज़्यादा होनी ही चाहिए, तभी ये वाई वैरायटी आपकी रिलीज़ होगी, नहीं तो इसको रिलीज़ किया ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक्स वैरायटी है इसी को बोलते हैं क्या, चेक, जो पहले से मौजूद पॉपुलर वैरायटी है। अब यहाँ से हम नई वैरायटी बनाने वाले हैं। यहाँ पर हमने सीड मिक्स कर लिया पहले जनरेशन से। अब इस मिक्सअप जो सीड हमने किया है इसका कंपटीशन होगा किसके साथ, जो पहले से मौजूद है। ठीक है, जैसे मान लो ये एक्स तो अपनी ये रही एक्स वैरायटी, मान लो हमने उसी रीजन की मालवा रीजन की तीन और गेहूं की अच्छी अच्छी वैरायटी देख ली, मान लो ये अपनी 1, 2 और 3, ये क्या है अपनी चेक वैरायटी है, ये पॉपुलर वैरायटी है मालवा रीजन की, इनके साथ कॉम्पिटिशन होगा। ठीक, ये जो ट्रायल हम कर रहे हैं ना इसको कहते हैं प्रीलिमिनरी ट्रायल। क्या कहा जाता है इसको? प्रीलिमिनरी ट्रायल। ठीक है, कई जगह पर इसको इनिशियल इवेल्युएशन ट्रायल भी कहते हैं। ठीक है, ये एक साल के लिए किया जाता है, एक साल के लिए किया जाता है विद इन दी जोन, ये बात आपको याद रखनी है। जो भी जोन होगा, जैसे कि मालवा जोन में हम लोग कर रहे हैं, तो मालवा जोन में एक साल के लिए प्रीलिमिनरी ट्रायल किया जाएगा जिसको इनिशियल इवेल्युएशन ट्रायल भी कहते हैं। उस ट्रायल का मेन पर्पस यह है कि मालवा रीजन में जितनी भी पॉपुलर वैरायटीज़ हैं उन पॉपुलर वैरायटीज़ के साथ वो नई वैरायटी जो हम बनाने वाले हैं उसका कॉम्पिटिशन कराओ, उसके साथ उसका कंपेयर करो। ठीक है, मान लो ये वाला जो एक्स है इसकी उपज जो है वो आपकी इस चेक से ज़्यादा हो गई। ठीक है, मान लो सेकंड वाले की उपज कम रह गई और थर्ड वाले की उपज भी ज़्यादा आ गई, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसकी उपज तो ऑलरेडी कम ही है। तो किसान यहाँ से अगर हम कोई वैरायटी बनाते हैं तो किसान उसको तो लेगा नहीं, किसान तो उसी वैरायटी को उगाएगा क्योंकि इसकी उपज पहले से ज़्यादा है। ठीक, तो हम कौन सी वैरायटी को सिलेक्ट करेंगे, कौन सी लाइन को, कौन से प्लॉट को सिलेक्ट करेंगे, इसको और इसको। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो दो चेक वैरायटीज़ हैं उनसे हमने अच्छी वैरायटी बना ली है, अभी कंफर्म नहीं हुई है, बस हम आगे बढ़ रहे हैं उस स्टेप की तरफ, आगे बढ़ रहे हैं, बनाने के लिए तैयार हैं। ठीक, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया, टारगेट अपना एक ही रहेगा, उपज अधिक होनी चाहिए। सबसे पहला टारगेट प्लांट ब्रीडिंग का वही है, उपज अगर नहीं हुई तो इस वैरायटी को बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको भी सिलेक्ट कर लिया। अब देखो ये जो प्रीलिमिनरी ट्रायल है इसको जोन के अंदर ही किया जाता है, जहाँ पर भी, एक तो अपना जो स्टेशन ट्रायल होता है, हाँ एक और चीज़ लिख लो, इसको स्टेशन ट्रायल भी कहते हैं। स्टेशन ट्रायल का मतलब विद इन अ जोन, जिस जगह पर, जिस रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है वहीं पर इसकी ट्रायल होती है, उस ट्रायल को कहते हैं प्रीलिमिनरी ट्रायल या फिर इनिशियल इवेल्यूएशन ट्रायल, और इसको स्टेशन ट्रायल भी कहते हैं। उस जोन में 8-10 जगहों पर इस ट्रायल को डाला जाता है, कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया, मान लो एक तो एक वाला सेलेक्ट कर लिया, एक ही वाला, ये तो हो गया अपना रिजेक्ट, क्योंकि इसकी उपज अपनी जो चेक वैरायटी सेकंड है इसकी उपज ज़्यादा है तो ये तो अपन नहीं ले सकते। ठीक है, इन दो के लिए हो गया। अब यहाँ से ये वैरायटी जाएगी अपनी कोऑर्डिनेटेड ट्रायल के लिए, किसके लिए, कोऑर्डिनेटेड ट्रायल। कोऑर्डिनेटेड ट्रायल का मतलब हो गया कि अब ये सेंट्रल लेवल पर जाएगी, अलग अलग जोन में जाएगी। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग इस वाला जो, ये वाला जो ट्रायल होता है इसको बोलते हैं CVT, शॉर्ट में बोलो तो इसको कोऑर्डिनेटेड वैराइटल ट्रायल। इसमें 2 से 3 साल लगते हैं, 2 से 3 साल तक ये ट्रायल की जाती है। ठीक है, ये कब होगा फिर, अपना सेकंड ईयर हो गया, मतलब आपके थर्ड ईयर से लेकर फिफ्थ ईयर तक,
चार से चार चौथे साल से लेकर पाँचवें साल तक अपना ये वाला एक्सपेरिमेंट चलेगा, CBT कोऑर्डिनेटेड वेराइटल ट्रायल। ये होगी अपनी आउटसाइड दी जोन और एट दी सेबरल लोकेशंस, बहुत सारे लोकेशंस पर इसको ट्रायल डाला जाएगा, ठीक है। वहाँ पर भी इसका कंपेयर किया जाएगा चेक के साथ, कंपेयर विद दी चेक। अब भी अपन इसको मालवा रीजन में कर रहे थे, सिर्फ मालवा रीजन में जो पॉपुलर वेराइटी थी उनको हमने लिया। अब इस वेराइटी को हम कहाँ भेजेंगे, कोऑर्डिनेटेड ट्रायल्स में भेजेंगे, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी जोन्स हैं वहाँ पर इसको भेजेंगे। वहाँ पर 2 से 3 साल तक इसका टेस्ट होगा, इसका कॉम्पिटिशन होगा, वहाँ की जो इम्प्रूव्ड वेराइटी हैं, ऑलरेडी इम्प्रूव्ड वेराइटी हैं, उनके साथ उसका कॉम्पिटिशन होगा। और जिस जिस जोन में जिस चेक वेराइटी से जो इम्प्रूव पाई जाएगी वहाँ पर उसे वैरायटी की तरह रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। अगली बात समझो, मान लो कि ये अपना तमिलनाडु एरिया में हुआ, ये अपना महाराष्ट्र में हो रहा है, ठीक है। मान लो ये अपना गुजरात में हो रहा है, ठीक है। मान लो महाराष्ट्र में इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, वहाँ की जो कुछ चेक वैरायटी है उससे इम्प्रूव दिखाई गई। मान लो गुजरात में भी इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, तमिलनाडु में इसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, तो ये वैरायटी जो है वो महाराष्ट्र के लिए और गुजरात के लिए इसको रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 6th ईयर में क्या होगा, वैरायटी आपकी बन चुकी है, वर्कशॉप में जाएगी ये वैरायटी, वहाँ पर इसको नाम दे दिया जाएगा, कोई भी वैरायटी का नया नाम दे सकते हैं। और आपको टाइम दिया जाएगा इस वैरायटी को मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि वैरायटी बन चुकी है मतलब आपको किसानों को देना है, और किसानों को देने के लिए आपको उसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसकी लार्ज क्वांटिटी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये होती है इसकी लास्ट स्टेप किसी भी वैरायटी बनाने की, ठीक है। तो ये हो रहा है अपना सीड मल्टीप्लीकेशन, तो ये सीड मल्टीप्लीकेशन हो गया। ये सीड मल्टीप्लीकेशन क्यों हो रहा है, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, किसानों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये हमने सीड मल्टीप्लीकेशन कर दिया। तो 6 साल लगे मास सिलेक्शन में हमें एक नई वैरायटी बनाने के लिए, ठीक है। ये तो हो गई प्रोसीजर, अब क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो देखो, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से ही पढ़ना है भाई। मास सिलेक्शन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पर थोड़ा सा फोकस करो, वही इम्पोर्टेंट है। अब देखो, पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि मास सिलेक्शन बेसिकली किस टाइप की क्रॉप के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको बता दूँ, मास सिलेक्शन मोस्टली यूज़ किया जाता है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप के लिए, मोस्टली यूज्ड फॉर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, ठीक है। लेकिन इसको सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में भी यूज़ किया जाता है। मास सिलेक्शन को दोनों टाइप की क्रॉप में यूज़ करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन में भी और सेल्फ पॉलिनेशन में भी। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में दिए हों और आपको एक चुननी पड़े तो आपका आंसर होगा क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, ये बात आप लोग याद रखना, क्योंकि मास सिलेक्शन का सबसे ज़्यादा यूज़ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में ही किया जाता है, लेकिन सेल्फ में भी अपन कर सकते हैं, ठीक। अब सेल्फ में भी एक क्वेश्चन आता है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के अंदर इस मास सिलेक्शन का यूज हम किस तरह की वैरायटी में करते हैं और किस लिए करते हैं। पहली चीज, किसी भी देसी वैरायटी को या किसी भी लोकल वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्या करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर जो एक्स वैरायटी थी हमारी, एक देसी वैरायटी थी, लोकल वैरायटी थी, किसी वजह से कंटेमिनेट हो गई, हमने इसको इम्प्रूव कर दिया, इसको अच्छा बना दिया, तो किसी भी देसी या लोकल वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरा, किसी भी प्योर लाइन वैरायटी को प्यूरीफाई करने के लिए, या कह सकते हैं उसके प्यूरीफिकेशन के लिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्योर लाइन वैरायटी का प्यूरीफिकेशन करने के लिए भी हम मास सिलेक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। मान लो कि ये एक्स कोई प्योर लाइन वैरायटी थी, उसके अंदर कंटेमिनेशन हुआ, हमने उसको प्यूरीफाई कर दिया, तो कोई प्योर लाइन वैरायटी को हमने प्यूरीफाई किया है, ये भी इसका इम्पॉर्टेंट यूज़ है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ से क्वेश्चन अगर मास सिलेक्शन से पूछा जाए तो 99% क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन है न्यूक्लियस सीड किसका, प्योर लाइन वैरायटी का। ये भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप की बात हो रही है, क्वेश्चन ये आता है कि किसी भी प्योर लाइन वैरायटी का न्यूक्लियस सीड कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो मेंटेनेंस है
वो आपका मास सिलेक्शन की वजह से किया जाता है, मास सिलेक्शन के मेथड से किया जाता है। आज भी जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर न्यूक्लियर सीड का प्यूरिफिकेशन, न्यूक्लियर सीड का मेंटेनेंस इसी मास सिलेक्शन मेथड से ही होता है, सेम इसी तरीके से। ठीक, तो ये मास सिलेक्शन की प्रोसेस है और मास सिलेक्शन के ऊपर पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से भी, तीसरा क्वेश्चन ये भी है, और चौथा क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियर सीड का प्यूरिफिकेशन, प्योर लाइन वेराइटी के न्यूक्लियर सीड का प्यूरिफिकेशन किस मेथड से होता है, तो वो है आपका मास सिलेक्शन मेथड। ठीक, तो ये अपना मास सिलेक्शन कंप्लीट हुआ, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, ये बेसिक प्रोसीजर टाइप का है, सिंपल सा कुछ नहीं है, कॉम्पिटिशन जैसा रहता है भाई। जैसे कि मान लो एक मान लो कि अपन रियलिटी शो में जा रहे हैं, एक कंपटीशन में जा रहे हैं अपन, तो वहाँ पर क्या होता है, पहले आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंपटीशन होगा, वहाँ आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, वहाँ पर मौजूद जितने दूसरे सिंगर्स हैं, जितने दूसरे डांसर्स हैं, उनसे अच्छा परफॉर्मेंस देगा, वहाँ सिलेक्ट हो जाओगे, फिर आप नेशनल लेवल पर जाओगे। ठीक है, तो वो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो हुआ है वो क्या हो गया, आपका प्रीलिमिनरी ट्रायल हो गया, फिर वहाँ से आप नेशनल लेवल पर जाओगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए लोग उनके साथ आप फाइट करोगे, उनसे भी अगर आगे निकल जाओगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सेंट्रल वेराइटल ट्रायल, उनसे आगे निकल जाओगे तो आप विनर घोषित हो जाओगे, तो एक नई वेराइटी बन जाएगी। ठीक है, सीड मल्टीप्लीकेशन कर दो फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यही मास सिलेक्शन होता है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 6 साल का समय लगता है। ठीक भाई,